पंजाब विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लागू के चलते कड़े सुरक्षा प्रबंधों की पोल उस समय खुल गई जब विगत रात्रि इनोवा कार सवार बदमाशों ने चंडीगढ़ रोड एरिया में नाकाबंदी के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला कर पुलिस कर्मी को घायल कर दिया, जबकि एक पुलिस अधिकारी का सर्विस रिवॉल्वर व आईफोन भी ले उड़े। पुलिस अधिकारी को अधिक चोटें आने के कारण सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी इलाके के ही बदमाश व्यक्ति तथा अर्बन स्टेट के रहने वाले हैं। उन्होंने उन पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था, उसकी वर्दी भी फाड़ डाली। फिलहाल इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है तथा हमलावरों की पहचान करके उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। राति मैं समेत कर्मचारियां अर्बन स्टेट फेस बंच मौजूद सी कि वक्त करीब 2:30 बजे दे एक नोवा कार सिल्वर कलर फेस बंच की तरफ मुड़ी। असी उसनों रुकने का इशारा किया, उन्होंने गड्डी वापस करके भजा ली। असी उन्हों का पिछा करते हुए पिछे जा रहे थे, उन्होंने मेट्रो रोड पर जाके जमालपुर चौंक तो समराला चौंक की तरफ कर ली गड्डी। जब असी उन्हों का पिछा करते हुए इतने 32 सेक्टर च मोती महल लागे उन्होंने गड्डी खड़ी करके तो अपनी मासी कार च बैठ के इनोवा कार च उतर के तो असी बाहर निकलन दा उन्होंने कहा। उन्होंने बेचा बैठिया ने अपने साथियों फोन करके बुला लिया उत्थे, जिन्होंने आके साढ़े मेरे ते मेरे पुलिस कर्मचारियों ते बेसबाल डंडिया ते राडा नाल हमला करता, जिहदे नाल मेरे सिर दे विच अख ते मेरे हाथ ते मेरे बाकी शरीर ते बहुत सट्टां लगियां। वह अर्बन स्टेट फेस बंद रहने वाले इन्ना क पता लगा, वर्दी पाई होने के बावजूद मेरी वर्दी पाड़ती, मेरा सर्विस पिस्टल भी खो के ला गया, मेरा मोबाइल आईफोन 6 भी खो के ला गया।